नमस्कार, मैं हूं श्री उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की बांद्रा यूनिट ने खार इलाके से एक तंजानियन नागरिक को 51,25,000 रुपए की कोकीन समेत गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक सेल के बांद्रा यूनिट को एक खुफिया जानकारी मिली थी, इसमें कुछ अफ्रीकन नेशनल्स साउथ मुंबई में कोकीन की सप्लाई और सेल कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी। इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर कल एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें एक टांजानियन नेशनल को अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से 51 लाख की कोकेन जब्त की गई है और उसके पास आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू। मुंबई क्राइम ब्रांच के सह पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एस वीरेश प्रभु, पुलिस उपायुक्त ANC मुंबई दत्तात्रय नलावड़े, सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र चिखले के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई एंटी नारकोटिक सेल बांद्रा यूनिट के प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय चौहान, पुलिस उप निरीक्षक शंकर पावले एवं टीम ने की है। मुंबई से शिरीष उपाध्याय, खबरदार।